ओम कुरुबेन एबे हकरमाणि जिजिविषेत सतम सवाहम एवं त्वयेन अन्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे प्रभु, कर्म प्रवण भाव रे कर्मठ जीवन जापन करी शतवर्ष पर्यंत जीवन धारण करी कर्म रे आसक्त हेबि नाही, शारीरिक कष्टरु दूर होई मानसिक शक्ति संपन्न हो आपणक निर्देश को पालन करी एतिक आशीर्वाद करंतु प्रभु, एतिक प्रार्थना। बालक मोर बोल कर आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान समस्त दर्शक बंधु मान मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुच्ची। महात्मा महापुरुष मान चरित्र उद्बुद्ध कर कही हमने आपण मैंने कौन सी कार्य घृणा करूँ सब कार्य को संपन्न करने चेष्टा करते आपण अन्य मानी कम कर आप गाँव में गोटे कार बाहर होना कार्य करम करूँ आप पिला देखिए बापा बहुत कम करुच्ची मुझे बड़े एमती करी मो बापा जब निर्बेकार चित्र समस्त पत्र उठे नौ मुझे उठे ने मो बापा यही कम करते मुझे करी कि अनुप्राणित भल कम करूँ जहाँ पिला अनुकरण करेंगे ना आपण पानेपरी शिक्षा कौट पाइबे समाज तो विभिन्न दृष्टिकोण खराब है आपण मैंने निजे जी प्रस्तुत न करेंगे तो कौट पाइबे। गोटे उदाहरण आपन को दौर महात्मा अशोक कथा। महाराज अशोक जी अत्यंत जहाँ को चंडाशोक कहते चंडाशोक तो धर्माशोक पक्षर हेले बुद्धंकर बौद्ध भिक्षु मानकर वाणी सुनला परे अत्यंत क्रूर शासक थे। गोटे छोट छोट कथा बौद्ध भिक्षुटे कहले कहले महाराज गोटे जीवन मत आप प्रदान करें गोटाए जीवन ए मरी हजार हजार सैन्य मान भितर जो मान गोटे मात्र पुत्र तार पिता बर्तमान कांदुची आपण तार से सैन्य मार जीवन टाक फेरे दे पारे कि संसार रे असंभव कथा मुझे कौट करी जदि आपण गोटाए जीवन दे पारे ताले कोटी कोटी जीवन नवार आप किए अधिकार अच्छी से पाणी रे कि जादू थिला कि जाणी से पाणी रे कि प्रभाव थिला कि जाणी गोटाए चंडाशोक जे मृत्यु को देखिले अट्टहास्य करूला से अनुताप कला बारंबार बारंबार शब्द को शुणी सारापर अनुताप कला मुनेक प्रजा मानकर पुत्र प्रजा मान पुत्र ही नकरी अनेक माँ मान विधवा करी मु भूल करी प्रायश्चित स्वरूप निजर जीवनचर्या बदलें जहाँ को देखिले लोके भय करुथिले सेई लोक दया क्षमा परोपकार मूर्तिमंत प्रतीक साजी समस्तंकर उपकार करिबा को चेष्टा कले सेई महाराज अशोकंकर राज्यर कथा। से समय राज्यर गोटिए प्रदेश रे दुर्भिक्ष पड़ी थाए शस्य उत्पन्न हलानी मरुड़ी होगला चाषी मैंने मुंडे हाथ दे बस वर्षा ठीक समय हलानी धान हलाना फलानी शस्य फलाना जहाँ शस्य सारीदे सारापर करे कौन मान लोके वर्तमान खाइबापी आउपाय कि ना केवल खाद्य अभाव ही मृत्यु लाभ करवा उपाय भी किसी ना से चंडाशोक धर्माशोक को परिवर्तन होता अशोक एक घोषणा प्रस्तुत कले एक आदेश प्रस्तुत कले विश्वस्त कर्मचारी मान को डाक कले जो प्रदेश में दुर्भिक्ष सृष्टि होती प्रति ग्राम रे अन्न छत्र खोला जाऊ जो अन्न छत्र रे समस्त को सूर्योदय सूर्यास्त पर्यंत भोजन व्यवस्था करा जाऊ जी जेतबले आसीब सेतबले भोजन करिवो समस्त को परिपक्व व रंधा खाद्य जोगा जाऊ लोक माने घर को नहीं केमिति रोषे करिवे कंकाल सार खाद्य पदार्थ नथिरा बेले मनीषर सुंदर भवन थाऊ
कोटि कोटि टंका थाउ जदि खाद्य मिलूना खाद्य सामग्री मिलूना से अर्थ से भवन कौन शांति दबो से महात्मा चिंतन कले महात्मा अशोक कहीं ना महात्मा ये कहे धर्माशोक से तलु खेले बुद्धंकर बुद्ध भिक्षु मानंकर प्रभाव रे निज भितर क्रूर स्वभाव को परित्याग कले अन्य मानकर हित चिंतन कले अन्य मानकर उपकार टाकु निजर व्रत बोली चिंतन करिसेंती आदेश देइसेंती केउठी जेपरी कोनोसी भाव रे लोकटिए निराहार रे रहिबो नाही समस्ते जोठी रोसे खाद्य दिया जाउछि समस्ते धाड़ी लगे जाउछंती गृहर मुखिया जे जाउछि गृहर परिवार जो माने अछंती चारि जणक पई धरंतु पांच जन परिवार गृहर जणे व्यक्ति जाउछि सेई गाँव जे मुख्य दायित्व रे थिला से कहूँ एंक परिवार रे पांच जन अछंती आज्ञा तेणु पांच जणक पई खाद्य अन्न व्यंजन नहीं जाउछि किछि लोक जे जणे जणे से सही भोजन व्यवस्था नियमित चली राजकोष से संपूर्ण थिबा पर्यंत राजा घोषणा कले राजकोष से अर्थ थिबा पर्यंत अन्न थिबा पर्यंत मो राज्य रे सही प्रदेश रे केही उपवास रहिबे नाही जने वृद्ध असहाय एकुटिया से निजर खाद्य पदार्थ गला बेले संध्या ही गला संध्या परे कर्मचारी माने मना कले संध्या परे आउ भोजन नाही एक था सुनिला परे वृद्ध जनक धाड़ी रे ठिया आइ चंती किंतु पाद उठु नाही चालू नाही बाड़ी धरी चंती सबुदिने मार्ग रे ठिया आइ लाइन रे ठिया आइ खाद्य नबा संभवपर हे पारु नाही तेणु से अपेक्षा कौन करिवे सर्वे पछरे रहउचंती पछरे रही जाई पहुंचला बेलू संध्या हो गला कर्मचारी मैंने कहे संध्या हालांकि आउ दि जाए पार ना दुईटी कारण गोटे हूँ कार्य करी से क्लांत से विरक्ति द्वितीय कथा हूँ नियमर भंग हूँ संध्या पर दि जाव ना राजा निर्देश एथपाई विरक्ति तापर व्यवहारगत कुशल मत हो तो हम कर्मचारी मैंने राजा प्रकृत उद्देश्य को बुझे कि उपरिस्थ कर्मकर्ता जो हाँ कहते तल कर्मचारी मैंने से भाई व्यवहार करते समाज में अनेक परिवर्तन हाँ ये जो मैंने अन्न दौंती एम ठीक बुझी ना व्यवहार खराब कला बेले विदा करदे यही समय जड़े मुखरे मानने मुख घोड़ी उपरे चदर पकई चंती माने चिन्हवा कष्टकर होउची मुह अंधार 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 हो आसानी क्या सूर्यास्त पर बंद ना से कहले कहले कर्मचारी माने देख ये वृद्ध जनक सभा पछरे ठिया होते लोक मैंने धाड़ी आसुचंती ये धीरे धीरे चली पारु नाही ताकु अन्य माने भी सहायता कले तेणु से आसवे विलंब हवा दृष्टि बर्तमान संध्या हो जाए से कि बहुबेल आसिले किंतु पाखे सामर्थ्य ना चली आसवा बसी 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 से जो आसी तुम्हें फेरेदब एक तो सी दुर्बल खावा पाईना शरीर बर्तन दुर्बल आज जदि तुम्हें खाद्य नदब से आसंता काली हूँ तो जीवन धारण करवा कष्टर हो जाए तुम्हें निराश कर ना तुम तो खावा दि वृद्धर कथार से कर्मचारी मैंने खावाक दे वृद्धटी खाद्य पदार्थ धरला पड़े जमी कोटिनिधि पाइला केते दिन है खाई भगवान जानती कहना से धाड़ी रे ठिया ही पारुने उठी पारुने एकुटिया तार परिवार लोक कई नहांती आउ यही जो दुर्दिन रे लोके तो निज कथा बुझाक समय ना पर कथा केत बुझे निज पर चारजण को गंडे खावाक देवाई जदि अन्न छत्र पाखक न जीवे तेल पर उपवास रोच तेल से परिवार को रक्षा करने समस्त तो निज निज क्षेत्र में ये वृद्ध कथा किए बुझुची बहुत कष्ट निज घर दुई पाद चली टिके विश्राम नहीं पुणी दुई पाद चली पुणी विश्राम नहीं
हाथ में बाड़ी खंडे धरी धीरे 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 बहु कष्ट से अन्न छत्र पाखक आसी धाड़ी से ठिया पहुँचला बेलू संध्या जो अन्न टीक पाइले से जो आगंतुक लोक कृतज्ञतार स्वर से आशीर्वाद देवा मुद्रा कहले भगवान तुम मंगल करतु भगवान तुम मंगल करतु तुम समस्त सपरिवार तुम्हें भलरे रह आगंतुक जनक किंतु तांको थालीटा को हाथ में धरी तांको धीरे धीरे नहीं गोटे स्वतंत्र स्थान में बसईदे बस कि भोजन करतु आपण वृद्धटी बहुत दिन धरी खाई नथिले खाद्य को निजर पाटी को नेला बेले जमी अमृतर आस्वादन भली एक मानने खाइबारे तत्परता प्रकाश कर खाईदे आगंतुक जनक एक ध्यान देखुं वृद्ध केमी आग्रह सहित बहुदिन खाद्य नपाइले जमी लोक आग्रह सहित खाए सेम आग्रह सहित केमी खाऊं खाद्य खाई सारापर वृद्ध जनक पत्र टी उच्छिष्ट जगार पकेवाक शक्ति सामर्थ्य ना निज हाथ में गोटे छोटिया गंठिलटे धरी उठेबा भी शक्ति सामर्थ्य ना ये गंठिलटा को रखी पत्रटा पकिया उद्यत होता बेले ये आगंतुक जनक गोटी हाथ में बाम हाथ में गंठिल और डाण हाथ में उच्छिष्ट पत्र नहीं कहले आज्ञा आसत जो पानी व्यवस्था होता से पा व्यवस्था पाखक नहीं गले नहीं कौन कले हाथ धोईदे एवं तांकर हाथ मुह धोई साइला परे निजर हाथ को उच्छिष्ट पत्र पके निजर हाथ को परिष्कार कले निज हाथ को परिष्कार कर पचारे आपण को घर केते दूर कहला गाँ गाँर शेष मुंडे मो घर ये अन्नदान करा जाऊँगी ये गाँव रे एक प्रकार शेष एपट मुंडे मोर घर शेष मुंडे किंतु घर को गला भली मोर शक्ति सामर्थ्य ना ये जदि कौन बाटे कौटी विश्राम टे मिल जाता मुझे तीन चार दिन लाख खाई नी योजन टी कर सारापर मुझे चल रार शक्ति पाईपर मानुची खाला मो भर नुआ शक्ति आसी किंतु बहुत दि तीन दिन खाई ना दृष्टि शून्य उदर में ये खाद्य पड़ा द्वारा मुतान चलत शक्ति संपन्न हो पार नहीं कहे आज्ञा आप गोटे काम करूँ आपण को बाड़ी धरतु मुंकर गंठिलटा को धरुची आप मो सहित सांगे चलतु मुण को चली चली नहीं आपण घर पाखे पहुँचदेवि वृद्ध जनक जापार ना कहे कई जन सहायता करूँ ये सहायता करवा लोक घर पर्यंत पहुँचाइले आगंतुक जनक गंठिली धरी वृद्धंर गंठिली धरी आगंतुक जनक गोटे हाथ को मध्य धरी आर हाथ में जष्टी धरी बाड़ी धरी वृद्ध धीर गमन चली धीरे 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 कहीं वृद्धंर चलत शक्ति संपन्न ना पुणी मझेरे मझेरे विश्राम नौ कारण आगंतुक पाखे कौन जान ना बसई नहीं छाड़देवाई धीरे धीरे चलुं विश्राम दुई हाथ चलुं तीन हाथ चलुं पुणे विश्राम नौ पुणी दिन हाथ जा आगंतुक किंतु पछे 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 गंठिली धरी चलुं रास्तार मध्यवर्ती अवस्था सेपटर दले सैनिक एक शिविर आर शिविर को जापट शिविर आरपट गाँव रेपट शिविर सैनिक मैंने प्रहरी जो मैंने गाँव में विभिन्न प्रकार प्रहरा दौरान गाँव दि जाए दायित्व दि जाए गाँव रहरा देवाई से प्रहरा देवाई सैन्य मैंने गोटे गाँव रू अग गाँ को जाऊँ क्या ए गाँव रैन्य मैंने से गाँ को जब एमती जो पर विभिन्न प्रकार दायित्व था क्या क्यों छक दि जाए विभिन्न प्रकार नियम कानून याए ए सैन्य मैंने कौटी जगे से सैन्य मैंने कौटी जगे से सैन्य मैंने कौटी जगे विभिन्न प्रकार व्यवस्था व्यवस्थित करा तेणु से ही सैन्य मैंने अंधार हवा पूर्व रात जगुआ हेना से टिके टिके मुह झापसा देखा जाऊँगी अंधार पूर्ण होना दिवस पूरा जाना एकर मुह झापसा समय सैन्य मैंने आस
ये वृद्ध जन को धरी धरी आगंतुक जनक जाउछंती सैन्य मान जे मुख्य रास्तारे वृद्ध को जेतेबेले अतिक्रमण कले सैन्य मुख्य से आगंतुक को देखिपके चिन्ह पारे संगे संगे सेल्यूट मारे सैन्य मैंने सेल्यूट मारे एवं प्रणाम मानने सैन्य मैंने आस प्रणाम कले ये वृद्ध जन जापार ना मो सांगे जी आसते किए कि समस्त कौन सम्मान कले एमती सेल्यूट मारे से आगंतुक जनक कहले कि ठीक अच्छे तुम्हें तुम कम जाओ किंतु वृद्ध निजर उत्साह जो उत्सुकता एत बढ़ला जे पचारि पारे संगे संगे पचारे कहले कि आपड़ जहाँ को सेल्यूट मारे जहाँ को आपड़ अभिवादन कले से किए कि से कहले ये हूँ देशर राजा राज्यर राजा सम्राट अशोक छद्मवेश को उतारी दे वृद्ध जनक बुली जाई सम्राट पाद धरवाक जाऊँगी सम्राट हाथ धरी पक उठे कहले कह आप मत कहीं पाप भागदार कर आपण मोठ वयस्क लोक आपण जदि मत प्रणाम करेंगे ताहले मु आशीर्वाद पाई बर मोपाई यहाँ कष्टदायक हो कहे ना नहीं मु सही राजा को सम्मान दौची जो राजार ना शुणिले लोके भय करुले आज से राजा मो भि जन वृद्ध को भोजन व्यवस्था करेले जदि आप न कही था कर्मचारी मैंने मत खाइबा दे न था कि कर्मचारी आपन को चिन्ह पार ना जड़े वृद्ध को आगंतुक कहूँ बोली दे आप निर्विकार चित्तर मोर उच्छिष्ट पत्र को उठे नहीं ओंठा पत्र पकई मोर हाथ को आप धोई दे मोर गंठिली को धरी आप रास्त जा भाविली देवदूत किए जड़े मो पाख आ सतरे आज्ञा आप धर्माशोक आज आज चंडाशोक तो नहांती मुझे शुणी थी कि धर्माशोक कर्मचारी मैंने चलीगला अशोक जो राजा बोली जाणिले अने समस्ते पाखापाख लोक मैंने जो शुणीदे एक आसी राजा को प्रणाम करने उद्देश्य आसिले कर्मचारी मानू से सैन्य मानू अन्न डाक कहले कहले राजा केवल सिंहासन बसवाप आसने राजा जदि एभली आकस्मिक भाव जदि परिव्राजक जीवन जापन करी कर्मचारी मानकर कथा को न देखिबे तले कर्मचारी मानक भितर श्रृंखला रहिबो कोठी सेतिपई वर्तमान भी व्यवस्था अछि जहाँ को इंग्रजी में कहूँ सरप्राइज चेकिंग आकस्मिक अनुसंधान कहले मु समस्त अन्न छत्र को आकस्मिक अनुसंधान करूली आकस्मिक अनुसंधान कला बेले देखिली ये वृद्ध जन को जो माने परसुले जो कर्मचारी माने से माने घृणा चक्षुरे को विदा करूले मुझे कहिली तार कारण ये से माने देई देई क्लांत हेलेनी से मैंने विभिन्न प्रकार दिन मान परिश्रम करनेक लोक अन्न दे व्यंजन दे जलदान कर बहुत कम कर क्लांत होती कि मो कर्मचारी गोटे कथा कही तुम्हें कर्म करुच अर्थ नब किंतु ता सत्वे जदि मधुर कथा कह सेवा कर मनोवृत्ति रश्वर आशीर्वाद पाइब कि व्यवहार कले मत कष्ट लगे मुझे एक शुणला पर आसली आसी कहली से मैंने मत चिन्ह पारे ना कि अन्न दे राजार प्रथम कर्तव्य हूँ तार कर्मचारी मैंने लोक ठीक सेवा दौरान कि ना मझे मझे अनुसंधान करने दरकार जदि यही राजा रहंती यही प्रशासक रे प्रजा मैंने सेवार के वंचित हो कारण से समस्त कर्मचारी मान एक भय र जे प्रशासक छद्म बेसरे आम मानकर कर्म को निरीक्षण करुछंती मनुष्य दुई जन को भय करिया दरकार गोटे राजा को गोटे ईश्वर को राजा धीरे आज ईश्वर को ईश्वर मत देखुछंती ईश्वर चारिआड़े मुह वेद गोटे सुंदर मंत्र अच्छी एसोह देव प्रदेश अनुसर्वा पूर्वोह जात सौगर्भ्यंत शयव जात जनिष्यमाण प्रत्यम जनाम तिष्ठति सर्वतो मुख
ये चारिआड़ को मुखर कर परमात्मा मत देखुंती मुझे कौ कथ लुचे पारि ठीक सेमती राजा मैंने मझेरे मझेरे अनुसंधान जारी रखते कर्मचारी मैंने त्रुटि करते ना लोक मान सेवा करने राजा कर्मचारी मान को निजुक्त करु कर्मचारी मैंने राजा निजुक्त करम नक विभिन्न प्रकार आल देख आलस्य परायण हो लोभी हो धन लोभर इच्छा रे प्रजा मान को सेवा दिंती ना कह से आकस्मिक अनुसंधान करु करु मु वृद्ध को देख ली एवं तांकु सेवा करछ आपण माने मध्ये सेमती सेवा करंतु कर्मचारी माने तळुकु मुह करी कहिले कहले आपणकर आदर्श को आम रक्षा करिया चेष्टा करिबा आपण जेमिति वृद्धंकर गंठुली धरी बोही जेमिति कार्य कले आमे भी सेमिति चेष्टा करिबा आम जीवन रे अन्यर सहायता करिबा पई कहले ताहा हेले मोर ए सबु कर्म सबु प्रकार जो उद्देश्य सफल हो ए विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुच्छे ए अध्याय को समाप्त करिया पूर्व आज महत्माणी संपर्क में चिंतन करिबा जो माने अधिकारी अच्छा से माने जदि सेवा परायण हेबे तेबे सेवा को लोक सेवा पाइबारे केबे वंचित हेबे नाही प्रत्येक अधिकारी निजर कर्म को ठीक भावे करंतु लोकंकर मंगल निश्चित हो ए विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि समस्त नमस्ते। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।